नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। चलिए प्रसन्नता के साथ, आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए ये बराबर होता है किसके? सेक ए प्लस टेन ए के। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दिया है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये होना चाहिए किसके बराबर? राइट हैंड में लिखा है सेक ए प्लस टेन ए के बराबर। चलिए इसको हल कर लेते हैं। हल, चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसको हल करेंगे और हल करने के बाद हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? राइट हैंड में लिखा हुआ हिस्सा। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वर्गमूल 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इस हिस्सों को हल करके हम राइट हैंड में लिखा हुआ हिस्सा प्राप्त करेंगे। वर्गमूल 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसमें हर और अंश में अपन गुणा कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए, और नीचे भी गुणा कर देते हैं 1 प्लस साइन ए। जिसका गुणा आपने ऊपर किया उसी का गुणा हमें नीचे भी करना पड़ेगा, तभी तो हम सही रहेंगे। वर्गमूल 1 प्लस साइन ए द्वारा गुणा व भाग करने पर जो किया है वो हमने लिख दिया। चलिए गुणा कर देते हैं इनका। तो देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का वर्ग लिख सकते हैं इसको, ये दो बार है ना। नीचे आप देखिए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इसको देखिए ध्यान से, तो आपको एक सर्व समीकरण याद आएगी। क्या? ए धन बी, ए ऋण बी रहे तो क्या लिख सकते हैं उसको? ए वर्ग ऋण बी वर्ग। 1 मिनट के लिए आप देखिए, ए के स्थान पर एक और बी के स्थान पर साइन ए को रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ए ऋण बी, ए धन बी, तो क्या लिख सकते हैं इसको? ए वर्ग ऋण बी वर्ग, यानी ए वर्ग 1 का वर्ग ऋण साइन ए का वर्ग, और 1 का वर्ग एक ही होता है इसलिए एक ही लिख दीजिए, और साइन वर्ग। ठीक है, इस फॉर्मूले में हमने इसको फिट कर दिया है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वेयर। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, इसमें भी एक सर्व समीकरण याद आ रही हो क्या? 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वेयर थीटा के बराबर होता है। ये सर्व समीकरण याद होनी चाहिए। तो अपन क्या 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वेयर ए, थीटा की जगह यहां पर ए है। देखिए 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, इसका भी स्क्वेयर है, इसका भी स्क्वेयर, तो सामूहिक रूप से स्क्वेयर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये स्क्वेयर हटेगा तो वर्गमूल हट जाएगा, तो क्या बन रहेगा? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब 1 प्लस साइन ए के बटे कौन है? कॉस ए। ये कॉस ए 1 का भी है और साइन ए का भी है, चलो अलग अलग कर देते हैं इनको। तो 1 बटे कॉस ए धन साइन ए बटे कॉस ए।
तो आपको याद होना चाहिए कि 1 बटे cos थीटा किसके बराबर होता है? sec थीटा के बराबर। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर। यहाँ थीटा के स्थान पर कौन है? ए है। तो 1 upon cos A किसके बराबर रहेगा? sec A के बराबर। इसके स्थान पर लिख दूं मैं sec A, देन साइन थीटा बटे कॉस थीटा यानी साइन ए बटे कॉस ए किसके बराबर रहेगा? टेन थीटा यानी यहां पर क्या है? टेन ए। टेन ए, तो यही तो सिद्ध करना था। आ गया हमारा क्या? राइट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही सिद्ध करना था। अब इसके लिए जो भी सर्वसमिका है इस सवाल में प्रयोग हुई है वो याद होना चाहिए। पहली तो ये सर्वसमिका कि वो ए धन बी ए ऋण बी रहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। दूसरी सर्वसमिका थी 1 minus sin² थीटा किसके बराबर होता है? cos² थीटा के। और तीसरी थी 1 बटे cos थीटा sec थीटा के बराबर होता है। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा के। इस सवाल में प्रयुक्त तो चारों ही सर्वसमिका यदि आपको अच्छी तरह याद है तभी यह सवाल आप हल कर सकते हैं। इसलिए सर्वसमिकाओं पर विशेष ध्यान दीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सवाल समझ में आया होगा। ऐसी ही आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।